जिसके नतीजे में इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पे आफत आई, और वो आफत आई जब यहाँ कुछ लोगों ने बंदूक उठाना की, और दिली जिम्मेवारी जो है उन लोगों के सर पे है जिन्होंने मजहब का आबादा लोग ओढ़कर इसी मजहब की बुनियादों को खोखला करने की कोशिश की। आज वो माहौल नहीं है, माहौल बदल गया है, और इस किस्म की महफिलें ये साबित करती है कि आप जिसके उमती है सरवरे कायनात, और जो सरवरे कायनात के सबसे करीबी साथी रिश्तेदार दामाद चचेरे भाई कई रिश्ते थे उन्होंने, और ये वो शख्सियत थे कि नमाज पढ़ रहे थे तो किसी ने छुरा गो पा, आप सब ने सुना हो पढ़ा हो, नमाज के वक्त तो सजदे की तरफ जब जाने लगे तो छुरा घोंपा गया, ये मैंने किताबों में पढ़ा, लेकिन उन्हें उस भी नहीं, और अल्लाह को रहमान और रहीम के उसी वजीफे से जवाब दिया। नमाज खत्म करने के बाद उन्होंने वो छुरा खुद निकाला, खून से लथपथ होगी वो जमीन, और वो जमीन विश्व का एक हिस्सा बन गया। अफसोस ये है कि हम में से कुछ लोग अब भी हैं जो नहीं ये जान समझते या पढ़ा नहीं या सुना नहीं है कि ये इस्लाम के लोगों को फिरकों में तस्लीम करने का सिलसिला तो मुआविया ने शुरू किया। ना जाने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मुआविया को जिस तरह भी किया कर सकते थे, उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा कि वो फैसला करें, यही दर्जा देता है जो शैतान का दर्जा। लेकिन इसी फिर किसी खानदान से वो खातून निकली जिसने वहां एक तहरीक जलाई, और अल्लाह का करना ये हुआ उस तहरीक का इतना लोगों ने पसीराई की कि कोई उनके साथ हाथ नहीं लगा सका, और यजीद के बेटे ने खुद इस्तीफा दे दिया, और तारीख का एक नया भाव खुला। ना जाने क्यों हम सबसे ज्यादा एहतराम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अली से, ना जाने क्यों मुझे नहीं मालूम हमारी शुरुआत क्या थी, लेकिन मेरे नाम का मेरे बाप का नाम मुर्तजा था तो हजरत अली का नाम, मेरे बड़े भाई का नाम मोहम्मद हसन, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है, छोटे का नाम मोहम्मद हुसैन है। और इलेक्शन में क्या हुआ कि जहां शिया थे वहां वो कहते थे कि इन्होंने आपके उन नाम चुराए हैं आपको वोट, और सुन्नी के यहां जाते थे कि भाई ये शिया है। हकीकत जब मुझसे कोई अखबार वाला या कोई पूछता था आप क्या हैं, मैंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, हजरत अली का आशिक हूं। आप वोट दें ना दो, अगर मैं जवाब दे हूंगा तो अल्लाह उसके रसूल और उसके सबसे महबूब खलीफा के सामने चल रहा। मेरे अजीज नौजवानों, अल्लाह ताला आपको जिंदगी बख्शे, आपके सामने नौजवानों का भी 20 साल 30 साल अल्लाह जानता है किसकी उम्र क्या है, इस वक्त के हर लम्हे को कीमती समझे, माँ बाप की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत, छोटों से हम असर लोगों से दोस्त,
और आपके ईमान का उस वक्त इम्तिहान होगा जब आप एक हिंदू के साथ, सिख के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, क्रिश्चियन के साथ भी इंसाफ करें। इस पर बहुत बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं, मजामीन लिखे कि एक मुसलमान के फराइज क्या होते हैं। और वो कहते हैं कि हमसाया आपका अगर किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है लेकिन वो हमसाया है, उसके हकूक ज्यादा हैं आप पर बनिस्बत किसी और के जो आपके मसलक के साथ होने के दूर रहते हैं। क्योंकि जब इंसान को गंदगी साफ करनी होती है तो पहले तो अपनी मस्जिद और कमरे से करते हैं। मोहब्बत मुश्किल के वक्त मालूम होता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है, और मुश्किल हो जाता है रिश्तेदार जो महीनों के बाद मिलते हों और अगर वो फौत हो गया तो इसका हमसाया ही पहले है जो इसकी जज्बे खाकी को और इसी जमीन से, जिस जमीन से तमाम जिंदगी का आगाज हुआ अल्लाह के हुक्म से, इंसान, हैवान, नबातात, घास, हर चीज, पत्थर, सोना, चांदी इसी जमीन का दिया है जिस जमीन के ऊपर आपने पांव रखे। रखते हैं हम इस जमीन और कीचड़ लग जाए तो मैं ये दुआ करूंगा और आपसे अर्ज करूंगा कि आप भी अपने दिलों में झांकिए और उस दुआ को इसका विरोध कीजिए। हे अल्लाह ताला, मैं बंदा हूँ, जाने अनजाने न जाने कितने गुनाह किए हूँ, किन लोगों को दुख पहुँचाया हो, तू रहमान और रहीम है, मेरे गुनाहों को, मेरे खानदान, मेरे हमसायों को जिन्होंने भी गुनाह किया है उनको बख्श। ए अल्लाह ताला, हमारे बुजुर्गों को जब मौत आए तो उनके जबान पर कलवा अता फरमा। ए अल्लाह ताला, हमें इस काबिल बना कि हम क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा ना होने दें। ए अल्लाह ताला, हमें चार चीज़ों पे हमें मदद कर, हम पे रहें। पहले अल्लाह ताला हमें ईमान, शैतान से महफूज रखें। शैतान किसी रूप में भी आ सकता है। दूसरी, ए अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमा। तीसरी, ए अल्लाह ताला हमें इज्जत का मुकाम। और चौथी दुआ जो मैं अपने इस सिलसिले में, और मैं दुआ सिर्फ अपने घर के लिए नहीं मांगता, तमाम इंसानों के लिए करता, वो मालिक है, कबूल भी कर सकता है हम जैसे गुनाहगारों में, वरना दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम वकील होते, कहते हैं झूठे केस करते, सबसे बदनाम तो सियासतदान होते हैं, कहते कुर्सी की लालच क्या, लोगों को झगड़ा कराया, वोट लिए, घर के महल बना ले, दौलत कमाई, झगड़े कराए। तो ये आखिरी जो हिस्सा है दुआ का वह है कि अल्लाह ताला हमें ये वो सफात पैदा कर दे कि क़यामत के दिन हमारी वजह से ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर झुका के शर्मिंदा होना पड़े कि कैसी उम्मत है, ना हज़रत अली जो जिनको हम जवान अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना कि हम उनको इस बीच जहाँ में भी और आखिरत में भी वो दिखाने के काबिल हों। अस्सलाम वालेकुम। तू कह रहा है ये मेरा लहू हलाली है तो अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा, अली के नाम का नारा कर।
के दिखा तो तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, मैं तेरी फतह का ऐलान करके जाऊंगा। शहजादे अली असगर साहब बाबा शायर कहते हैं, मैं तेरी फतह का ऐलान करके जाऊंगा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझे रुला के दिखा, मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मुझे रुला के दिखा। लिहाजा मैं इन हसीन मिसरों के साये में नियाती अदम से जनाब मुख्तार जहां में शान वहदत लेके आई है, की शब है तेरा हजब, खुशी का दिन है मुसर्रत की शब है तेरा रजब, मिसाले काबा तबस्सुम बलब है तेरा रजब, मिसाले काबा तबस्सुम बलब है तेरा रजब, सकून कल्बे पयंबर है तेरा रजब, सकून कल्बे पयंबर है तेरा रजब, पढ़ो दरूद के तेरा रजब है तेरा रजब, पढ़ो दरूद के तेरा रजब है तेरा रजब, पढ़ो दरूद के तेरा रजब है तेरा रजब, जमाले चेहराए रहमान आने वाला है, जमाले चेहराए रहमान आने वाला है, हरम में बोलता कुरान आने वाला है, जमाले चेहराए रहमान आने वाला है, हरम में बोलता कुरान आने वाला है, हरम को आज नई शान मिलने वाली है, हरम को आज नई शान मिलने वाली है, वो सिर्फ जिस्म था अब जान मिलने वाली है, हरम को नई शान मिलने वाली है, वो सिर्फ जिस्म था अब जान मिलने वाली है, जहां को दौलत ईमान मिलने वाली है, जहां को दौलत ईमान मिलने वाली है, हर एक सहीफे को पहचान मिलने वाली। मेरे भाई की बुआ पे लाखों सलाम, मेरे भाई की बुआ पे लाखों सलाम, बोले खास एक भी शब को भूखा ना सोया कोई, एक भी शब को भूखा ना सोया कोई, मुर्तजा की हुकूमत पे लाखों सलाम, मुर्तजा की लाखों सलाम, बाद मेरे है मौला नबी के अली, कब्जा पानी पे है फिर भी पीता नहीं, ऐसे प्यासे लाखों सलाम, ऐसे प्यासे पे लाखों सलाम, तीर गर्दन पे है पर लबों पे हंसी, तीर गर्दन